नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल एक एक करके आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। आतंकी कमर टूटने से बौखलाए आतंकी अपनी बौखलाहट को नागरिकों पर निकाल रहे हैं। बुधवार को आतंकवादियों ने बड़गाम जिले के खग के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बीडीसी सदस्य भूपिंदर सिंह को उनके पैतृक गांव दलवाश में आतंकवादियों ने रात करीब 7:45 बजे गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सिंह की सुरक्षा में 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, लेकिन भूपिंदर सिंह ने कल अपने सुरक्षाकर्मियों को खग पुलिस थाने में छोड़ दिया और बिना पुलिस को सूचना दिए वो अपने पैतृक गांव दलवाश चले गए, जहां आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि भूपिंदर सिंह सुरक्षा के बीच कई दिनों से श्रीनगर में रह रहे थे। वो कई दिनों बाद वापस घर आए थे। इस हमले के बाद पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीडीसी सदस्य भूपेंद्र सिंह की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मैं शोकाकुल परिवार के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि वो इस गहरे दुख से लड़ने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करे। मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा, यह जघन्य कृत भय फैलाने और शांति और प्रगति के वातावरण को समाप्त करने का एक प्रयास है। ऐसे हमलों का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। समाज में हिंसा के अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और इस कायरतापूर्ण कृत्य में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी भूपिंदर सिंह की हत्या की कड़ी निंदा की। उमर ने ट्वीट किया है कि बीडीसी काउंसिलर भूपिंदर सिंह की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मुख्य धारा के जमीनी स्तर के राजनीतिक कार्यकर्ता आतंकवादियों के लिए आसान निशाना है और दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में उनके लिए खतरा बढ़ा है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, उनकी आत्मा को शांति मिले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।